तो हमारा आज का टॉपिक है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जो है कई तरह की होती है, फाइल प्रोटेक्शन, शीट प्रोटेक्शन, वर्कबुक प्रोटेक्शन। तो हम देखते हैं पहले, सबसे पहले शीट प्रोटेक्शन को। किसी भी शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें शीट टैब पे जाके राइट क्लिक करके यहाँ से प्रोटेक्ट चुनना होता है। यहाँ पे प्रोटेक्ट के लिए हम कोई भी पासवर्ड देंगे। और ये हमारी शीट प्रोटेक्ट हो जाती है। शीट को प्रोटेक्ट होने के बाद हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं। अब हमें इसमें देखना है कि यहां तो सारी शीट प्रोटेक्ट हो रही है। पहले एक चीज करते हैं, हमारे पास कुछ भी डेटा है, हम चाहते हैं कि वो कोई भी कॉपी ना कर पाए। सपोज ये हमारे पास ये डेटा है, हम चाहते हैं कि इस डेटा को कोई भी कॉपी ना कर पाए। कॉपी के लिए कोई डायरेक्ट फीचर एक्सेल में नहीं होता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन जो होता है हमारा, अगर कोई सिलेक्शन ना कर पाए तो वो कॉपी भी नहीं कर सकता, तो हम इसका सिलेक्शन ऑफ कर देते हैं। कैसे, जब हम प्रोटेक्ट शीट पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शन होते हैं, अलाउ यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू सिलेक्ट लॉग सेल, सिलेक्ट अनलॉग सेल। तो हमें सिलेक्ट लॉग सेल का ऑप्शन हटा देते हैं, मतलब यानी कि यूजर लॉग्ड सेल को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। अब हम जब इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते तो हम इसको कॉपी भी नहीं कर सकते। अब चलते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया को प्रोटेक्ट करना। पहले देखते हैं कि हमारा एक्सेल जो है प्रोटेक्ट किस तरह से करता है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी शीट सिलेक्टेड होगी। नंबर फॉर्मेटिंग में जाएंगे हम, या कंट्रोल वन से प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे। यहाँ पे चेक होता है, अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो हमारी सिलेक्टेड रेंज जितनी भी है, इसका मतलब है सारी शीट जो कि सिलेक्टेड है, अनलॉक्ड हो जाएगी। हम प्रोटेक्ट करेंगे तब भी प्रोटेक्टेड नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं। सपोज मैं चाहता हूं कि इसको कोई भी छेड़ ना पाए, बाकी कहीं भी चेंजेस कर पाए, इसका मतलब है मुझे इस रेंज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल वन से गया, प्रोटेक्ट में मैंने लॉक्ड कर दिया। ठीक है जी, सबसे पहले मुझे अनलॉक करना पड़ेगा सारा। ठीक है जी, सारे को सिलेक्ट करके अनलॉक कीजिए, देन स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करके कंट्रोल वन से उसे लॉक्ड कर दीजिए। अब जब आप शीट को प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड देना जरूरी, हर बार जरूरी नहीं है, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, पर पासवर्ड दिए बगैर प्रोटेक्शन कैसे, तो आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये हमारा होता है स्पेसिफिक एरिया प्रोटेक्शन। अब इसको हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ यही यूज कर पाए और कोई ना यूज कर पाए, तो हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे। अभी सिलेक्ट भी नहीं हुआ है, अनप्रोटेक्ट कर लेंगे पहले। पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वन प्रेस करेंगे, ये इसका मतलब है पूरी तरह से फिल होने का कि कुछ प्रोटेक्टेड है कुछ नहीं है। चेक का मतलब है ऑल प्रोटेक्टेड, अनचेक का मतलब कोई भी प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है जी, तो हम पहले क्या करते हैं, पूरे को लॉक ही कर देते हैं। देन हमें जो रेंज अनलॉक रखनी है उसको सिलेक्ट करके अलग से अनलॉक कर देते हैं। अब जब मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा तो खाली यही काम कर पाऊंगा, यहाँ पे भी कुछ काम कर सकता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं कर सकता मैं कहीं भी। ठीक है जी, इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं। सपोज हमें एक फॉर्म बनाना है, यानी कि
एक हमें फॉर्म बनाते हैं, सिटी, एज। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, या केवल इन्हीं सेल्स में वैल्यू एंट्री की जा सके और कहीं भी ना की जा सके। एक फॉर्म डिजाइन जैसे हम लोग करते हैं उस तरह से, मान लीजिए थोड़ा सा इसको कलरफुल सा बना देते हैं ताकि ये फॉर्म की तरह दिखना शुरू भी हो जाए। अब यहाँ पे नेम एज सिटी है हमारा, यहाँ पे मैं एंट्री चाहता हूँ खाली। मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करके जिस जिस सेल को करूंगा वो सेल सिलेक्टेड होती जाएंगी। अब इसको करके ये हमारी लॉग, उससे पहले क्या करेंगे, सबको अनलॉक कर लेंगे, नहीं सबको लॉक्ड ही रहने देंगे, और देन इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के जरिए इसको Ctrl 1 से अनलॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रोटेक्ट शीट करेंगे और अलाउ यूजर में से सिलेक्ट लॉक्ड सेल को हटा देंगे, पासवर्ड दे देंगे जो चाहिए, देन प्रोटेक्ट। अब क्या करते हैं, हम खाली इन्हीं पे मूव कर सकते हैं और कहीं मूवमेंट हमारी चलेगी नहीं, किसी चीज को यूजर छेड़ नहीं पाएगा। ठीक है जी, इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। ये तो बात हुई शीट प्रोटेक्शन की। अब चलते हैं हम अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी शीट को हमारी, या उससे पहले एक चीज करते हैं, मैं ये चाहता हूं कि इसको कोई और यूजर एंटर कर पाए, इसको कोई और यूजर एंटर कर पाए, और इसको कोई और, तीन अलग अलग चीजों से, या फिर ये जो एरिया है मेरा, मैं इसकी एंट्री किसी और से कराना चाहता हूँ और इसकी एंट्री किसी और से कराना चाहता हूँ। अब इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, पहले इसको अलग शीट पे ले चलते हैं। दोनों की एंट्री अलग अलग करवाना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, जिसकी एंट्री हमें सेपरेट करानी है उसको सिलेक्ट करके रिव्यू पे जाएंगे एंड अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, यहाँ से न्यू सिलेक्ट करेंगे, रेंज 1 जो है पासवर्ड इसका दे देंगे कुछ भी अलग से, ओके करेंगे, दोबारा देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, और यहाँ पे मैं दोबारा से इसको अलग पासवर्ड दे देता हूँ, न्यू करता हूँ, रेंज 2 हो गई हमारी, यहाँ दूसरा पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है जी, अप्लाई कर देता हूँ, ओके। अब मैं शीट को प्रोटेक्ट करता हूँ, प्रोटेक्ट कर दिया, पर जब मैं यहाँ एंट्री करने लगता हूँ तो यहाँ से मेरे से अलग से पासवर्ड मांगता है, तो यहाँ जब मैं इसका पासवर्ड डालूंगा तब इसकी एंट्री कर पाऊंगा, पर मैं चला इस सेल पे एंट्री करने तो यहाँ मेरे से फिर पासवर्ड मांगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का अलग अलग पासवर्ड दे के इनसे काम करा सकते हैं। ठीक है जी, जैसे संदीप से कराना है, ये प्रदीप से कराना है। ठीक है जी, तो इस तरह से संदीप का पासवर्ड संदीप को बता दिया, प्रदीप का पासवर्ड प्रदीप को बता दिया, उनसे कस्टमाइज अलग अलग काम करवा सकते हैं एक ही फाइल पे प्रॉपर सिक्योरिटी से। उसके बाद चलते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी शीट को कोई डिलीट ना कर पाए, अनप्रोटेक्ट करना, हमारी शीट को कोई भी डिलीट ना कर पाए। इसके लिए हम जाएंगे रिव्यू में, ये हमारे पास प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसको क्लिक करेंगे, स्ट्रक्चर पे जो होता है पासवर्ड दे देंगे, पासवर्ड जो भी देना है दे देंगे। अब क्या होता है कि हमारे पास जब यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे डिसेबल हो जाएंगे, जिसमें डिलीट रीनेम या इंसर्ट शीट का ऑप्शन होता है,
हमारे इन ऑप्शंस को कोई नहीं छेड़ सकता, ठीक है जी। वर्क बुक प्रोटेक्शन में किसी भी शीट पे शीट के ऑप्शन ही बंद हो जाएंगे, आपके डिसेबल हो जाएंगे, अनप्रोटेक्ट वर्कबुक करते हैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक में एक और चीज होती है, विंडो प्रोटेक्शन। अगर आप विंडो पे क्लिक करके ओके करते हैं तो हमारे ये जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन होता है, फाइल मिनिमाइज वगैरह का, क्लोज का, ये गायब हो जाता है आपका। आप इसमें दूसरी फाइल नहीं खोल सकते, मतलब इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, मैक्सिमाइज नहीं कर सकते या क्लोज नहीं कर सकते। डायरेक्ट एक्सेल बंद कर सकते हैं पर इस फाइल को पे नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, अनप्रोटेक्ट वर्कबुक करता हूँ, ये हमारी वर्कबुक प्रोटेक्शन है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस फाइल को ही कोई जो है दिखे भी ना, बगैर पासवर्ड के ये ओपन ही ना हो, तो हम सेव एज पे जाएंगे, टूल्स पे जाएंगे, जनरल ऑप्शंस पे, यहाँ पासवर्ड दे देंगे, ठीक है जी। और डेस्कटॉप पे सेव हो रही है संदीप के नाम से, कंटिन्यू। अब मैं इसको संदीप को खोलने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरे से पासवर्ड मांगता है, बगैर पासवर्ड के ओपन ही नहीं होगा, ठीक है जी। अब ये तो बात रही हमारी नई, हम सेव कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम किसी पुरानी फाइल को सेव करना चाहें, जो पहले से ही सेव्ड है उसको सेव करना चाहें, कोई पुरानी फाइल ओपन करता हूँ। पुरानी फाइल है मेरी फॉर्मूला इंट्रो के नाम से। अब इसमें इसको प्रोटेक्ट करना हो तो मैं यहाँ पे ऑफिस बटन पे जाऊंगा, प्रिपेयर पे जाऊंगा, एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा, देन पासवर्ड चूज करूंगा, ठीक है जी। अब मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, फॉर्मूला इंट्रो को, अब ये मेरे से पासवर्ड मांगता है, ठीक है जी। अब तो आज के सेशन में इतना ही,